को ले चलेंगे टेक्सास, जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा मौजूद हैं। राजा जाहिद, आम वोटर्स क्या समझते हैं कि ट्रंप हार गए तो क्या अमेरिका में नस्ल परस्ती बढ़ेगी या मामला काबू कर लिया जाएगा? जी, यहां पर मेरी मुख्तलिफ मुसलमानों से बातचीत हुई जिन्होंने अपने मिले जुले रद्देमल का इजहार किया। I think with Donald Trump's last reign, there was a bit of controversy there, but I don't think anything happened which he went too far. So maybe we're hoping that if he does get elected this time, that he doesn't go too far this time either, and just, you know. The policy of both these parties would not change against the Muslims. There could be a racial, you know, some kind of problem, but I don't feel that it's going to go that far. Donald Trump, jo hai. 2015 में उनकी वजह से बहुत मसले हुए थे, ऐसा हिजाबी आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद रेसिज्म बढ़ेगा। रेसिज्म का इस वक्त जो हवा चल रहा है ये इलेक्शन के लिए भी है, मेरे ख्याल में इन प्रैक्टिस जो है इलेक्शन के बाद ये काफ़ी कम हो जाएगा। रेसिज्म तो यहाँ पर हमेशा रहा है, रहेगा, कभी जाहिर होता है कभी जाहिर नहीं होता है। रेसिज्म तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। हम ये चाहते हैं कि ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, मुस्लिम कम्युनिटी को वो लोग इम्पोर्टेंस दें। डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री को देखते हुए रेसिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उनका पिछला टर्म भी था, मैं रह चुका हूँ यहाँ पर, बहुत तकलीफ़ें हुई थी। ट्रंप की हुकूमत जितनी देर रही है कोई वॉर नहीं हुई, कोई फाइट वगैरह, कोई जंगें वगैरह नहीं हुई, बिजनेस बहुत अच्छा था। बता नहीं सकते कि कल के दिन उनको लगा कि मुनाफा हो ये जम रुकाने से तो वो रुका भी दे, या उनको लगे कि नहीं ये जंग कंटिन्यू करनी चाहिए तो वो कर भी दे। फर्स्ट टाइम आए थे तब उस जिस तरह की जो स्पीच भी अपने हम लोगों ने देखी उनकी, जिस तरह से उनका उन्होंने पहले स्टांस लिया और जैसे फर्स्ट डे पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया उन्होंने आके, मेरा ख्याल है शायद अब थोड़ा सा वो भी चेंज है। हमें ये देखना है कि मुस्लिम्स के बेस्ट इंटरेस्ट में कौन है, कौन सी पार्टीज़ हैं यहाँ पे जो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही हैं और जो साफ साफ मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट कर रही हैं। सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हु विल हेल्प इन द बिगर मैनर रदर देन जस्ट सीइंग टू फेसेस इज व्हाट आई वुड से। मैंने थर्ड पार्टी को वोट दिया है, दोनों जो और हैं ख़राब हैं। कई मुसलमानों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से रेसिज्म बढ़ेगा, जबकि कई लोगों का ये भी ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं आते तो रेसिज्म जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। डॉक्टर अर्जुमन हाशमी, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे उस दौर में जो इकदाम हुए थे उसके बाद बहुत से पाकिस्तानियों ने भी मेरी उनसे कहीं से बात हुई, उन्होंने सोचा कि भाई एक मकान पाकिस्तान में ज़रूर होना चाहिए वरना दुबई में तो हो। अगर इस दफ़ा ट्रंप दोबारा जीत गए तो ये जो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, पहली तो बात मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं कि मैं किसी सूरत दुबई में घर नहीं ले रहा हूं। पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान तो आपका घर होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान में घर इसलिए नहीं लूंगा कि मैं डर के यहां से भाग जाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया या कोई और आ गया। हम लोग जो है नेचुरलाइज सिटीजन हैं और हमारे पास उतने ही राइट्स हैं यहाँ पे रहने के जितने के दूसरे अमेरिकन के पास हैं जो हु वर बॉर्न एंड रेज हियर। इसके अलावा हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, दे आर बॉर्न एंड रेज्ड अमेरिकन्स, तो हमारा पाकिस्तान जाना शौक के लिए जा सकते हैं लेकिन हमारे रहने की जगह अमेरिका है और मेरा किसी सूरत से ये इरादा नहीं है कि मैं अमेरिका छोड़ के जा रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द पॉलिसीज माइट बी। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी वो एंटा इमिग्रेंट पॉलिसीज थी और पर्टिकुलरली इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए थी, ऐसी पॉलिसीज नहीं थी जिसपे के जो लोग आए हुए नेचुरलाइज सिटीजन हैं उनको वापस भेजा जाए, अनलेस के दे आर डूइंग इलीगल थिंग्स। और ये चीज़ सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये दूसरे मुल्कों में भी है, आप दुबई में देख लीजिए या कहीं पे भी और देख लीजिए, अगर आप वहाँ के लॉज तोड़ेंगे और आप ऐसी काम करेंगे जो कि एंटी स्टेट होंगे तो आपको कौन सा मुल्क चाहेगा कि आप वहाँ पे रहें। प्रोफेसर नईम जफर, अमूमन लोग माजी से सीखते हैं और आगे आगे बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के मंशूर में बात चीज़ ऐसी है जो डेमोक्रेट्स के नज़दीक अमेरिका को पीछे धकेलने के मुतरादिफ है, तो क्या ट्रंप ने सन 2016 में किए गए अपने इकदाम से कुछ सीखा या बिल्कुल नहीं सीखा? ये तो यकीनी नज़र आता है कि हारे तो वो माजी जैसे ही रहेंगे, मगर अगर जीत जाते हैं तो क्या बदले हुए सदर होंगे? आई थिंक जगह जीते तो पिछली दफा से ज्यादा खराब सदर होगा। पिछली दफा वो पहली दफा प्रेसिडेंट बन रहा था, उसको आता भी नहीं था क्या करते क्या है, तो उसने के आसपास उसने एक्सपीरियंस बंदों को इकट्ठा किया
वो इक्विपीनियस बंदों ने उसको ज़रा तमीज से रखा था, अब ये बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, पहले मैं बन चुका हूँ, उसको ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे बंदे हों जो उसकी मदद करें, उसको एडवाइस करें। तो वो बदतमीज़ बच्चे की तरह वो अब सदर बनेगा, उससे हालात मज़ीद ख़राब होने के ज़्यादा काफ़ी चांसेस हैं। असफर मलिक साहब, इस बार डेमोक्रेट्स ने जिस तरह ट्रंप को पेश किया कि वो तो अमेरिका को तबाह कर देंगे, वो पागल हैं, अनफिट है, क्या खुद डेमोक्रेट्स ने भी इस तकसीम को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जिसका वो ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं? कुछ तो ट्रंप की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जिस तरह वो बोलता है और जिस तरह वो पेश करता है चीज़ें, वो उसकी प्रॉब्लम है, यस। और वो ऐसे और ट्रंप ने ओपनली एंटी इमिग्रेंट बहुत बातें की हैं, तो उस वजह, मगर आप सही कह रहे हैं कि कुछ डेमोक्रेट्स उसको बढ़ा भी रहे हैं, उसको ये तो होता ही, एक्सप्लॉयटेशन तो ऑफ व्हाट यू से हैपेंस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ट्रंप के एडवाइजर्स ने उसको एडवाइस किया है कि ऐसी बातें ना करो, मगर वो बातें ऐसी करता है कि वो पहले ही से हमेशा से करता था, अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ऑफकोर्स द इम्प्रेशन इज बीन गिवन कि ही इज़ नॉट इन हिज राइट माइंड, ये तो है। और उस पर कोई शक भी नहीं है वैसे, इस बात को उसने अगर वो कंट्रोल कर लेता थोड़ा अपने आप को तो बेहतर होता, मगर उसने नहीं कर सका अपने आप को बिल्कुल ही मैनेज। और उसके अपने प्रीवियस एडवाइजर्स, उसके चीफ ऑफ स्टाफ, उसके अपने लोगों ने आके जो बोला है ना, तो उससे और ऑथेंटिकेशन हो गई इस बात को कि ही डिडंट लिसन टू एनीबॉडी, और वो डेमोक्रेटिकली नहीं का चलाते हैं चीज़ें, तो इस पे वो है किस्सा। हरप्रीत सिंह साहब, आपकी एक नस्ल थी जो आई, उसके बाद आपके बच्चों की नस्ल है और उससे नेक्स्ट जनरेशन, ये बताइए कि अगर ट्रंप मुंतखब होते हैं तो जो आपके बच्चों की नस्ल है वो, और उससे जो अगले बच्चों की नस्ल है यानी कि जन जी और उसके अगली नस्ल, इनको कितने मौाक़े मिलेंगे और कितने मसाइल होंगे? ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, एनी इमिग्रेंट हैज़ टू गो थ्रू लाइक यू नो दैट फायर टेस्ट, ओके। एंड आई फील लाइक यू नो के आई एम ऑनर्ड दैट इन दिस कंट्री एज एन इमिग्रेंट आई वॉज टोल्ड के आपको विद द बियर्ड एंड टर्बन यू विल नॉट गेट द जॉब, सो आई रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज एंड हेयर आई एम रनिंग फॉर द एन असेंबली getting a ticket from one of the major party, a Democratic Party, direct ticket, no primary, nothing. So for me, I think that is an honor to begin with. So number two, jo next generation ka sawal hai na, there is going to be a divide between educated and uneducated. Once you go into the universities, aap dekhenge ke wahan par bacche jo hai na, they don't care about your religion, they don't care about your faith, they don't care where you came from. They look at you as a person के किस किस्म के आदमी हो आप, किस किस्म के इंसान हो, based on that they develop their relationship, they develop their friendship, and I think that is something which is going to be a challenging, and also the next challenge actually is going to be with the AI, artificial intelligence, how the administration, whether it is Kamala Harris administration or it is Donald Trump's administration, how they will handle the transformation and transition from where we are today to the next level, because you know, when the computers came in, there was a big hue and cry KG, everybody is going to get unemployed. Now with AI it is the same thing. Yes, there is going to be a disruption in the industry, but how it will be handled, that will make a difference, and I think that will be the main thing for the young generation, the main challenges for young generation, whether those are from Bangladesh, India, Pakistan, doesn't matter where they are from, even those that next generation, which is you know, those people who call themselves American, even though they are also descendants of immigrants. Naseem saab, ab ek sawal aisa hai jo election ke nataij aane se pehle tak bahut dafa pucha jayega, lekin aaj aap se pehli dafa puch rahe hain. Iska jawab agar Kamala Harris ya Trump ko mil jaye to unki zindagi mein sukoon ho sakta hai. Bahut mushkil hai abhi shayad kehna, lekin phir bhi intikhabi muhim jo trend samne aaya hai, bayanat hain aur aadad o shumar samne aaya hai, uske mutabik aapko kya lag raha hai?
देखिए लिटरली ये तो मिलियन डॉलर नहीं बिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन होगा कि कौन जीतेगा इसमें से, लेकिन एक चीज़ बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है वो ये कि अगर आप इस पूरी कैंपेन को समअप करें उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी तमाम तर कैंपेन चला रहे हैं, और उसके बरक्स अगर आप डेमोक्रेट्स को देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी में दो सुदूर, एक बिल क्लिंटन और दूसरे बराक ओबामा, और तीसरे जो करंट हैं बाइडन, यानी कि तीन सुदूर और दो वाइस प्रेसिडेंट, एक यानी कि हिलरी क्लिंटन और जो खुद इस वक्त कमला हैरिस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी कैंपेन चला रही हैं। तो एक तरफ पूरे डेमोक्रेट्स एक तरफ हैं और एक तरफ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि ये अगर ट्रंप आए तो अमरीका तबाह हो जाएगा, तो क्या ये अपना मौके बनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि उस तरफ तो माइक पेंस जो थे उनके साथ थे वो भी अब उनके साथ नहीं है।